हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने प्रदेश भर में 4106 करोड़ रुपए की लागत से 211 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। 211 विकास परियोजनाओं में करीब 90 करोड़ रुपए की 11 विकास परियोजनाएं भी भिवानी जिलावासियों को मिली है। मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़ से भिवानी के लघु सचिवालय में प्रोजेक्टर पर लाइव कार्यक्रम के माध्यम से मुख्यमंत्री ने विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास किया। वैसे तो पूरे पिछले 4.5 साल से केंद्र और प्रांत की योजनाएं निरंतर चालू थी, जिसकी वजह से हमारे इस लोकसभा क्षेत्र में भी हजारों करोड़ रुपया खर्च हो चुका है। और आज तो क्योंकि लोकसभा की आचार संहिता लगने वाली है, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बगैर पैसा खर्च किए ना समय को बर्बादी होनी दी, ये एक ऐसी नई पहल शुरू करी है जिसका हमें सबको फायदा मिलेगा। क्योंकि क्षेत्र में के अंदर जाके उस योजना के ऊपर जाके जब लोग पब्लिक मीटिंग करते थे, हजारों लोगों को इकट्ठा किया जाता था, सरकार का पैसा बर्बाद होता था, समय बर्बाद होता था। एक नई पहल शुरू की है कि चंडीगढ़ में बैठ के 22 के 22 जिलों में सभी के नींव पत्थर और उद्घाटन ये करके का अच्छी बहुत अच्छी सोच अच्छी पहल करी है। हम इस बात का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद भी करते हैं और उम्मीद रखते हैं कि सही समय सीमा पर ये सारी योजनाएं पूरी हो जाएंगी। लेकिन एमपी साहब, अगर पब्लिक के बीच नेता नहीं जाएंगे तो वोट क्या मिल पाएंगे इस तरह से उद्घाटन करेंगे? हाँ, मैं कहता हूँ ये समय परिवर्तित है। लोगों में जाके केवल लोगों को इकट्ठा करके भाषणबाजी से बात नहीं बनेगी, लोग चाहते हैं असल में काम, और काम का ये तरीका अच्छा है। चलिए, काम का ये तरीका अच्छा है, राजनीतिज्ञ है आप, तो अब क्या स्ट्रेटजी है लोकसभा चुनाव की? भिवानी महेंद्रगढ़ से दावेदारी ठोकेंगे? मैं कहता हूँ इस हरियाणा प्रदेश की 10 की 10 लोकसभा की सीट हमारी बीजेपी पार्टी जीतेगी। लेकिन आपकी बात करें, आप क्या दोबारा से आप क्या सोचते हो, आप मुझे क्या किस मेरे हक में हो या खिलाफ हो ये तो बता दे यार। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिलान्यास और उद्घाटन के कार्यक्रम किए और ये एक अनूठी पहल है जो प्रदेश में ये सारी चीज़ों का खर्चा बचाते हुए मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। एक रैलियों में बड़ा बोझ पड़ता है और उस बोझ का यहाँ से हटाकर मुख्यमंत्री जी ने एक स्थान पर बैठकर सभी हरियाणा वासियों को सौगात दी है। अपने भी भिवानी जिले में सारे चारों विधानसभा क्षेत्रों में एक माहौल दिया है और सबको लिए काम भी दिया है और उन पर जो अधिकारी हैं, अधिकारीगण ने भी हमारी परियोजनाओं का स्वागत और उनके लिए करता हूं कि जो अधिकारियों ने जल्द से इस प्रोजेक्ट को तैयार किया, मैं उन सब का धन्यवाद करता हूं। चुनावी वर्ष में 4108 करोड़ की घोषणाएं की गई है, भिवानी की अगर बात करें आपको क्या लगता है इस चुनावी साल में कहीं के लाभ मिल पाएगा सरकार? ये लाभ लेने की स्थिति नहीं है, लेकिन हरियाणा को प्रदेश को एक अच्छा प्रदेश और उसकी योजनाएं ये इसके माध्यम से चल रही है। और चुनावी वर्ष तो है ही, इसमें लोकसभा के चुनाव भी हैं और विधानसभा के चुनाव भी हैं, तो इस प्रकार मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार शिलान्यास और उद्घाटन किए हैं ये बड़े हर्ष की बात है कि खर्चा न करते हुए इस प्रकार की योजनाओं का एक जगह बैठकर उन्होंने जो निर्णय थे वे लिए। सर, 11 जो शिलान्यास और उद्घाटन किए हैं, क्या मानते हैं सर कितना विकास जो है भिवानी जिले के लिए? जो 11 उद्घाटन और शिलान्यास किए हैं वे सब कुछ जो जनता की डिमांड थी और जो हमने बात रखी थी उसको आधार मानकर मुख्यमंत्री जी ने उन योजनाओं का उद्घाटन भी किया और शिलान्यास भी किया। कितने करोड़ की सौगात? 172 करोड़ रुपए के लगभग ये जो आने वाले समय में खर्च होंगे और पहले जो खर्च हो चुके हैं उनका हिसाब भी मुख्यमंत्री जी ने सबके सामने दिया है। मैं उनका बार बार धन्यवाद करता हूं और जिस प्रकार उन्होंने हमारे क्षेत्र को एक उन्नत क्षेत्र बनाने में हमारा सहयोग किया है, चाहे सड़कों के माध्यम से हो, चाहे पानी के माध्यम से हो, चाहे नहरी जल के माध्यम से हो या बिजली के माध्यम से हो, गरीब आदमियों का ऐसा साथ दिया है कि गरीब आदमी उनको भूलते नहीं।